क्या आप भी देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT News चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। खुशामदीद मौजूद नाज़रीन, आप तमाम का HT News चैनल में इस्तकबाल है। बतारीख 14 मई बरोज हफ्ते को आरामगढ़ पर वाक़े मेट्रो क्लासिक गार्डन में एक तकरीब के दौरान लेडी वीडियोग्राफर ने करवाया एक शख्स जो कि वीडियोग्राफिंग करता है उस पर जानलेवा हमला। तफसीलात के मुताबिक मेट्रो क्लासिक गार्डन में तकरीब में दुल्हन वालों की जानिब से एक शकीला नामी वीडियोग्राफर रखी गई थी, जबकि दुल्हे वालों की जानिब से मोहम्मद इमरान नामी वीडियोग्राफर को रखा गया था। तकरीब के दौरान मामूली सी बात पर दोनों वीडियोग्राफर्स में बहस व तकरार हो गई, जिस पर तमाम मेहमानों ने दोनों को समझा बुझाकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद भी शकीला नामी वीडियोग्राफर ने अपने चंद किराए के गुंडों को बुलाकर मोहम्मद इमरान पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसके नतीजे में मोहम्मद इमरान शदीद तौर पर जख्मी हो गए और वो अत्तापुर के जर्मन 10 हॉस्पिटल में जेर इलाज भी है, जिसके बाद हैदराबाद व सिकंदराबाद के तकरीबन 300 से 400 वीडियोग्राफर्स ने राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन पहुंचकर इस वाकये के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज किया और तमाम वीडियोग्राफर्स ने लेडी वीडियोग्राफर्स को बाइकआउट करने का भी मुतालबा किया। आइए जानते हैं इस खसूस में तमाम तर तफसीलात HT News चैनल के साथ। मजीद ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नामा कोई नहीं करेगा, गोवंशी नामा भी कोई नहीं करेगा उसके। एक दो मिनट शकीला का ट्रांसफर कोई नहीं करेगा। आज तकरीबन 10:30-11 के दरमियान में मेरे को फ़ोन आया इमरान के असिस्टेंट का, वाजिद का, भाई आप कहाँ हैं, इमरान भाई पे अटैक हुआ। अटैक होने का रीज़न क्या है बोलते हो? वो बहजम बेजी होगी फोटोग्राफी के दौरान फंक्शन में, हम लोग दूल्हे वाले उन लोग दुल्हन वाले हैं, बहजम बेजी हो गई तो मैंने जाकर पार्टी वालों को बोल के कंप्रोमाइज़ करा रहा। बोलते हो हाँ भाई इन ये औरत ज़्यादा बहस कर रही है औरत ही, तो ये वजह से इमरान भाई से बहस हुई, ये वजह से इमरान भाई से बहस हो गई ज़रा, लेकिन फिलहाल काम चल रहा अभी बोल के वाजिद बोले। फिर एक 15 मिनट वाजिद का फोन आ रहा मेरे को, भाई कहाँ हैं जल्दी आओ, इमरान भाई को मार दिए, खून जा रहा है, इमरान भाई बेहोश हो गए बोल के। मैं फौरी हॉस्पिटल पहुंचा तो इमरान अनकॉन्शियस थे। डॉक्टर से बात करा तो डॉक्टर बोले इनका सिटी स्कैन कराओ, सिटी स्कैन कराया बाद मालूम करेंगे अंदर इंटरनल ब्लीडिंग हो रही क्या हो रही, इमरान मतली हो रही, वॉमिटिंग आ रही बोले कंप्लेंट कर रहे थे, और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मेरे को, याद नहीं रह रहा कुछ भी, इमरान का ये कंप्लेंट था। खैर अभी इमरान का ट्रीटमेंट चल रहा हूँ, अभी अनकॉन्शियस है, बोल नहीं सकते कि उनकी तबियत कब बेहतर होती क्या है, लेकिन इमरान पर जो हरकत हुआ बिल्कुल गलत हरकत हुआ, यह नहीं होना था। फंक्शन हॉल में फोटोग्राफी फील्ड में बहुत गंदी चीज़ जो नहीं होना था हो गई है। वो लोग भी प्रोफेशनल है, हम लोग भी प्रोफेशनल है, लेकिन प्रोफेशनल तो उन लोगों में बिल्कुल भी नहीं है। वो लोग आउट ऑफ द प्रोफेशन जाकर काम करें। वो जो लेडी फोटोग्राफी है शकीला फोटोग्राफ, सवाल भी ये झगड़ा हुआ किससे? जो शकीला फोटोग्राफी है, शकीला फोटोग्राफी की बेटी से इमरान की बहस हुई, उन्होंने अपने पाले हुए गुंडों को बुला के, दोस्तों को, भाई के दोस्तों को बुला के इमरान को, इमरान के ऊपर हमला कराया। सर 10 से 15 लोग थे, बाहर से बुलाए? नहीं नहीं, बाहर से फोन करके बुलाया उन लोगों को, उनको बाहर से, ये आज का नहीं है, ये हमेशा का है। ये अगर कोई भी फंक्शन में बहस होती है तो अपने भाइयों के दोस्तों को बुला के उन्होंने वीडियोग्राफर पे हमला कराते, बारकस से हजार गुट्टे के एरिया के रहते उन्होंने लेके आके हम लोग, आज तो उन्होंने ओवर लिमिट क्रॉस कर दिए, मरते मरते इमरान की हालत, कंडीशन अनकॉन्शियस है बच्चा, क्या होता है क्या है अभी तक तो नहीं मालूम। फंक्शन भी खराब हो गया कब? अब लेडीज है भाई, लेडीज के ऊपर कौन वो करेंगे? जान दो आज से जान दो, छोड़ दो लेडीज है ना, कौन बोलेंगे लेडीज है ना भैया, जान दो कर ले रहना बोल के
दिल बड़ा करके अनजान होते, लेकिन ये हरकत होती तो हमको अंदाजा नहीं था ऐसी होंगी हरकत करके। दस से पंद्रह लोग थे, इमरान बोल रहे ना, बहुत लोग थे, इमरान गिर गए बेहोश होके, चारों तरफ से मारना पड़ रहे थे। उनके हस्बैंड इमरान गिरने के बाद इमरान के मुंह पे खुले पैरों से, हस्बैंड डॉक्टर बोल रहे हैं कि 24 आवर्स अनकॉन्शियस इमरान को रखना पड़ता, 24-48 घंटे के अंदर इनको ना वॉमिटिंग आना ना इनको चक्कर आना, कंडीशन अभी नहीं मालूम, बाद नहीं बोल सकते डॉक्टर बोल रहे हैं। राजेंद्रनगर पीएस में कमेंट करके हमने अभी एमएलसी के लिए आए, क्रिटिकल है, अनकॉन्शियस है अभी, अभी पुलिस से रिक्वेस्ट है हम लोगों की, इसके ऊपर प्लीज अच्छा इंक्वायरी करके इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके एक्शन लेना प्लीज। आई रिक्वेस्ट ऑल द राजेंद्रनगर पुलिस SHO। नहीं अभी तक तो पुलिस वाले नहीं आए अभी तक। अफसल साड़ीज प्रेजेंट्स डिजाइनर साड़ीज, डिजाइनर शरारा, डिजाइनर खड़ा दुपट्टा, प्रोप्राइटर मोहम्मद अकरम अली खान, अफजल साड़ीज एंड नाइटीज, एड्रेस ऑपोजिट कृष्णा टाकीज गुलजार हाउस, ब्रांच अबुल हसनान कॉम्प्लेक्स ऑपोजिट जुलूखाना कमान, लाड़ बाजार चार मीनार, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 9849894984।